70 साल की उम्र है, बताओ कहाँ किससे मांगू मैं पैसा। ये सरकार क्या कहते हैं दोगली है, मोदी ये सारे ही मिले हुए हैं, मोदी वगैरह सब मिले हुए हैं। लोगों से लड़ाई और पब्लिक आ जाते हैं मेरे घर पे कि भाई तुमने लिया पैसा तो तुम दो, मैं कहाँ से दूँ पैसे। इस बात को 9 महीना हो गए CRC का पोर्टल आए हुए, कोई सुनवाई नहीं उस पर। 10,000 यहाँ पे जितने खड़े बंदे हैं, पूरे मार्केट में कई बंदे आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टर सारे के, किसी को बता दो कि 10,000 रुपये मिले हैं। मैडम मेरा करीब करीब 5 लाख रुपये इन्वेस्टर्स में, और आज मेरे को 15 साल हो गए धक्के चक्कर काटते काटते, एक ही पैसा नहीं, बस कन्वर्जन 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 करते 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 हम परेशान होंगे। बेटी की शादी करनी थी, बच्चों की पढ़ाई थी, सब छूट गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान जी। कितना पैसा फंसा हुआ है अभी तक? जी मेरा, मैंने ऑटो चला चला के है ना, एक एक पाई जमा कमा के है ना, रुपया भरा इसमें सारा बैंक में, मेरे सारे पोर्टल बनवाए अमित शाह ने, समझे? ये पोर्टल ना फेल हो गए, ना फेल होने का क्या मतलब है, जब पोर्टल बनवा लिया उनको पैसा मिल गया है तो उनको पैसा मिल गया तो हमारे को भी पैसा मिलने चाहिए। लेकिन पैसा तो शायद किसी को मिला ही नहीं है, ये अमित शाह को मिला है ना ये पैसा, तो जो मिल अमित शाह को जो पैसा मिला है तो वो पैसे के भाई पैसा मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, ये पोर्टल बनेगी, ये पोर्टल बनवा ली, अब ये पैसा मिल नहीं रहा है। अमित शाह कहते हैं हमारे पास में पैसा ही नहीं है, ना हमारे पास में ये है, तो पोर्टल ही जो बनवाई, समझे? हमने तो ऑटो चला चला के एक एक पैसा जमा करा, हमारे पैसा मिल नहीं रहा है, हमने किस किस तरह हमने बेटियों के नाम में ये FDI करवाई, समझे? तो जब FDI कराई है बेटियों के नाम में, बेटियों का नाम का पैसा नहीं मिलेगा तो और किसका मिलेगा? आपको भी पैसा फंसा? हाँ फंसा हुआ है। कितना? 22 लाख। अच्छा, तो कब से आप ये? 2003 से थे हम इसमें जुड़े हुए, तो थोड़ा थोड़ा पहले तो देता रहा, अब क्या कहते हैं पलटी मारता रहा, पलटी मारता गया, आज 70 साल की उम्र है, बताओ कहाँ किससे मांगू मैं पैसा। ये सरकार क्या कहते हैं दोगली है, मोदी ये सारे ही मिले हुए हैं, मोदी वगैरह सब मिले हुए हैं, सब इन्हीं को भर रहा है, वो गरीबों को नहीं दे रहा। हाई किसकी पड़ेगी? गरीबों की हाई पड़ेगी इन पे। हाँ, यानी कि इतने प्रदर्शन कर चुके हैं आप, कब से भूख हड़ताल भी हो रही है, सारे धरना प्रदर्शन, लेकिन अभी तक सरकार आपकी नहीं। सरकार नहीं सुन रही बिल्कुल भी, कितने कितनी बार आ चुके हम भी पलटी के, दूसरा इसमें कर दो उसमें कर दो, सारा खुलेगा सारा खुलेगा, ये मिल रहा हमें तो आश्वासन। 2 सालों से मेरी मैच्योरिटी हुई, मैच्योरिटी 2020 में हुई, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला मेरा। 20 लाख रुपए हैं इसमें फंसे। आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी? अब क्या बताऊँ, क्या क्या समस्या, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। देखोगे लोगों से लड़ाई और पब्लिक आ जाते हैं मेरे घर पे कि भाई तुमने लिया पैसा तो तुम दो, मैं कहाँ से दूँ पैसे। मैंने तो जमा किया कंपनी में, कंपनी बिल्कुल मैंने, बल्कि हर जो भी फ्रेंचाइजी खुला था वो सब बंद हो गया, अब हर जगह ताला लग गया। अभी हाल ही में रिफंड पोर्टल भी लेकर आए थे अमित शाह, उससे कुछ नहीं हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, सबने अप्लाई कर दिया। मैं इसकी प्रूफ दे रही हूँ कि मेरे बेटे के नाम से हुआ था कि 10,000 जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी को मिलेगा, तो मेरे बेटा का 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट जमा था, नहीं मिला अभी तक। नहीं, और कई डेफिशिएंसी के मैसेजेस भी आए हैं। हाँ, कई नहीं, सबके आए हैं, 99% डिफिशिएंसी, मेरे खुद के डिफिशिएंसी आए हैं। तो जो जोनल में मैं गई थी तो वहाँ का मैनेजर बोला कि आपका 20 लाख है इसलिए आपका डिफिशिएंसी है, जब लाख पे जाएगा तब आपका मिलेगा, पता नहीं कब जाएगा लाख पे। तो क्या जिनका 10,000 वाले थे उनको पैसा मिला? मैंने पूछा तो बोला कि नहीं उसके मिल रहा है, पता नहीं आपके बेटा का क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई जवाब नहीं। उल्टा यानी पैसा उल्टा और आपको लगाना? हाँ, लगाने पड़ रहा है, लगाने पड़ रहा है, लगाने पड़ रहा है। कब से लड़ाई है? काफी दिन हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन कोई सुन नहीं रही सरकार, क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी का पैसा मिलना ही नहीं है। जो अमित शाह जी ने जो पोर्टल लॉन्च करा था उस पर कोई पैसा नहीं मिला है, सबको खा गए, कोई एक पैसा नहीं मिला किसी को भी, और उसमें कमियां निकाल रहे हैं कि भाई हमें मेंबरशिप का चाहिए, जबकि मेंबरशिप की स्लिप उसमें लगा रखी है साथ में रजिस्ट्रेशन के साथ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनकम्प्लीट कागज बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? अगर अनकम्प्लीट है तो फिर सहारा के ऑफिस से जाके लें, सहारा कंपनी देगी, सहारा कंपनी के पास फार्म है। मैडम एक चीज़ बताएं, हम बैंक में FD कराते हैं, बैंक हमें बॉन्ड देती है, उससे पहले सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा काम खत्म, हम बॉन्ड को संभाल के रखें, मान लो हमारा 5 साल या 6 साल बाद पैसा डबल हो रहा है, हमें तो पेपर देंगे ना, जो मैडम ये पेपर लो हमें पैसे दो, आप कह रहे जब फिर आप कह रहे जब जाके सरकार से लो CR, हम उनको जानते ही नहीं, हमने आपको दिया आप हमें दो, कह रहे जी हमने वहाँ जमा कर दिया, पहले हमें 1 लाख रुपया जमा करें बच्चों की शादी के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, अभी शादी हो, शादी के लिए पैसे चाहिए, हमें पैसे दे रहे, कह रहे 10,000 रुपया लो, 10,000 के लिए चलो 10,000 ही दे दो,
वहाँ पे ऑनलाइन 200-300 रुपया पर बंदे से जाके हम साइबर कैफे में जाके जमा कराते हैं, वहाँ से डिफिशियंसी दिखा रहे थे, पेपर कम है, पेपर हमने थोड़ी कमी है, जिनसे कभी उनको बोले ना भाई पेपर क्यों नहीं कमी है, इस बात को 9 महीना हो गया CRC का पोर्टल आए हुए, कोई सुनवाई नहीं उस पर, 10,000 यहाँ पे जितने खड़े बंदे हैं पूरे मार्केट में बंदे आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टर सारे के, किसी को बता दो कि 10,000 रुपये मिले हैं, किसी 54 तक नहीं मिला है, गया कहाँ पैसा, आप कह रहे हो कि हम पैसा देगा उनके, उनको पकड़ो ना उनको, जो केस लड़ रहा है 4-5 साल पहले उन्होंने केस किया उनको, अभी आके DD दे रहे हो, अभी कर रहे हो, ये कौन सी लूट मची हुई है, वो पैसे गए का उनको शेयर बाजार में तो लगा नहीं, प्लॉट है इतने सारे, साथ में ब्रांच भी ये कहते कि जी इम्बार्गो लगा, इम्बार्गो लग छूटे हुए करीब 5-6 साल 7 साल हो गए, फिर भी ये इम्बार्गो का लॉलीपॉप दिखा रहे, सारा काम हो रहा है सब कुछ, ब्रांच खुली हुई है सब कुछ खुली हुई है, क्यों खुली हुई है समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, क्या लग रहा है कि सुब्रत राय के जाने के बाद से अब लड़ाई और मुश्किल हो गई, मैडम उनके रहते भी कहाँ पेमेंट हो रहा था, उनके रहते भी नहीं पेमेंट हो रहा था, उनके जाने के बाद और मुश्किल हो गया है, उन जो अपने बाप के अंतिम संस्कार में जो बच्चा नहीं आया है उसके बाप का बिजनेस का पैसा कौन देगा, वहाँ से आएगा पैसा देने के लिए, विदेशों में होटल है सब जो वहाँ लेकर छप्पा करके बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा, परेशान है सब लोग, क्लाइंटों के पैसे हमने करोड़ों रुपये लगाए हुए, 3-4 करोड़ एक क्लाइंट का लगा हुआ है, उन्होंने एक CRC पे ये भी बोला कि मार्च से पहले तक कम पैसा देंगे, उसका तो मिल नहीं रहा, लेकिन मार्च से अब ये मार्च 1 साल होने वाला, जिनका अब पैसा पूरा है वो कहाँ जाए लेने के लिए, किसको बोले जाए, मतलब किसी ने अपनी बच्ची की शादी के बोला शादी का डेट फाइनल हो गया, वो हमें बोलते भाई साहब हमने आपको पैसा दिया आप दिलवाओ पैसा, हम कहाँ से दिलाएं किसके पास जाएं, मीडिया नहीं दिखाता ना कुछ, हम सोशल मीडिया पर डालते हैं मोदी जी का जो उसका फैन होगा फॉलो उस पर लिखते, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कार्यकर्ता हैं या फिर निवेशक? मैडम मेरा खुद का भी निवेशक और कार्यकर्ता भी हूँ, तो इस बीच कार्यकर्ताओं को भी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। मैडम एक बात बताओ, आपने मुझे पैसा दिया से 5 साल पहले 10,000 रुपये, हाँ जी ये लो रख लो मेरे पास एक्स्ट्रा, मैंने बोला मैडम फिक्स करो बहुत बढ़िया स्कीम है, आपने दिया आप तो हमें कहोगे अब आपका टाइम लो तो आप हमें फ़ोन करोगे, हम क्या बोले उनको, हम बोलते आज नहीं देखते हैं वहाँ केस चल रहा है ये कर रहा टाल रहे, ऐसे हमारे करीब 50-60 क्लाइंट है और रोज़ का फ़ोन आ रहा है, हम क्या जवाब दें उनको, परेशान है कहाँ जाए किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आप लोग इसको इतना वायरल कीजिए जहाँ तक पहुँचा इसको सपोर्ट कीजिए, एक तो ऐसे आपका TRP वो है मॉरल सपोर्ट और जो ऊपर वाला वो भी आपको मतलब जरूर हेल्प करेगा। मैडम मेरा करीब 5 लाख रुपये इन्वेस्ट है इसमें और आज मेरे को 15 साल हो गए चक्कर काटते काटते एक ही पैसा नहीं, बस कन्वर्जन करते 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 हम परेशान होंगे, बेटी की शादी करनी थी बच्चों की पढ़ाई थी सब छूट गया लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला, अब संघर्ष कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं लेकिन अब देखो क्या होता है।